प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग क्लास वन में पार्ट थ्री आम की टोकरी में प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे, क्या करना है बच्चों? तो ये जो प्रश्न लिखा हुआ है उसका उत्तर आपको लिखना है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। छोकरी टोकरी में क्या भरकर लाई है? बताओ, छोकरी टोकरी में क्या भरकर लाई थी? तो छोकरी टोकरी में आम भरकर लाई है। क्या भरकर लाई है? आम भरकर लाई है। चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। छोकरी टोकरी में क्या भरकर लाई है? आम भरकर लाई है। आम भरकर लाई है। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। छोकरी क्या नहीं बताती है? अब बताओ कि छोकरी क्या नहीं बता रही थी कविता में? तो छोकरी कविता में क्या नहीं बता रही थी? छोकरी कविता में दाम नहीं बता रही थी किसी को। तो हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, क्या लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर? छोकरी दाम नहीं बताती है। क्या नहीं बताती है? दाम नहीं बताती है। चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। छोकरी दाम दाम नहीं बताती है। छोकरी क्या नहीं बताती है? छोकरी दाम नहीं बताती है। छोकरी दाम नहीं बताती है। अगला क्या है? छोकरी सिर पर क्या लेकर आई है? अब छोकरी सिर पर क्या लेकर आई थी? छोकरी सिर पर आम की टोकरी लेकर आई है। क्या भरेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर? छोकरी सिर पर आम की टोकरी लेकर आई है। चलिए लिखते हैं। छोकरी सिर पर आम की टोकरी लेकर आई है। क्या है? छोकरी सिर पर क्या लेकर आई है प्रश्न है। तो उत्तर क्या हुआ? उत्तर है, छोकरी सिर पर आम की टोकरी लेकर आई है। अगला क्या है? क्या छोकरी 7 साल की है? कविता में छोकरी कितने साल की थी? छोकरी 6 साल की थी। यहाँ पर क्या हम लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, नहीं, छोकरी 7 साल की नहीं है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, देखते हैं। नहीं, छोकरी
छोकरी 7 साल की नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, आम का स्वाद कैसा होता है? अब बताओ आम का स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है या मीठा होता है? आम का स्वाद बताओ बच्चों, आम का स्वाद मीठा होता है। हम लोग जब उसे चूसते हैं तो वह मीठा लगता है। चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। आम का स्वाद मीठा होता है। आम का स्वाद कैसा होता है? आम का स्वाद मीठा होता है। अगला क्या है, 6 फलों के नाम बताओ जो हम लोग बाजार से खरीदते हैं। अब आपको 6 फलों का नाम बताना है जो हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं। बताओ हम लोग कौन कौन से फल बाजार से खरीद कर लाते हैं? तो हम लोग आम खरीद कर लाते हैं, और क्या लाते हैं, संतरा लाते हैं, और क्या लाते हैं, इमली लाते हैं, क्या लाते हैं, तरबूज लाते हैं, और क्या लाते हैं, केला लाते हैं, और क्या एक लाते हैं, नाशपाती लाते हैं। चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। आम केला तरबूज संतरा आम केला संतरा नाशपाती आम केला संतरा नाशपाती लीची और अंगूर अंगूर हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं। हम लोग बाजार से क्या क्या खरीद करके लाते हैं बच्चों? आम केला संतरा नाशपाती लीची और अंगूर हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं। फिर जो हम लोग यहाँ प्रश्न उत्तर बच्चों लिखे हैं उसको एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। छोकरी टोकरी में क्या भर कर लाई है? छोकरी टोकरी में आम भर कर लाई है। अगला प्रश्न क्या है, छोकरी क्या नहीं बताती है? छोकरी दाम नहीं बताती है। अगला प्रश्न क्या है, छोकरी सिर पर क्या लेकर आई है? छोकरी सिर पर आम की टोकरी लेकर आई है। क्या छोकरी 7 साल की है? तो नहीं, छोकरी 6 साल की थी। नहीं, छोकरी 7 साल की नहीं है। अगला प्रश्न क्या है, आम का स्वाद कैसा होता है? आम का स्वाद मीठा होता है।
केला, संतरा, नाशपाती, लीची और अंगूर हम लोग बाजार से खरीद कर लाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स पार्ट 3 आम की टोकरी का प्रश्न उत्तर। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।